हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। स्टडी टू नॉलेज चैनल पे हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स फॉर HPAS, HP अलाइड सर्विसेज, SSC, रेलवेज, बैंक PO, क्लर्क, RBI, स्टेट PCS के लिए। तो जो व्यूअर अभी स्टडी टू नॉलेज चैनल पे नए आए हैं, वे स्टडी टू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आप लोग स्टडी टू नॉलेज चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्राप्त कर सकें और अपने प्रिपरेशन में लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी कंडक्ट की है एशियाटिक लायन सेंसस की कंडक्ट की है, तो इसके अंतर्गत जो लायन हैं वो 10,000 कैमरा लगेंगे। तो ये कब तक हो जाएगी, ये कंडक्ट होगी ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एशियाटिक लायन की सेंसस? तो ये कंडक्ट होगी मई 2020 तक ये कंडक्ट होगी। तो इसके अंतर्गत 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे इसको कंडक्ट करने के लिए। एशियाटिक लायन है जो गुजरात में है सबसे ज़्यादा, और ये एक एंडेंजर लिस्ट में आते हैं, जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर लिस्ट में आते हैं। एशियाटिक लायन है ये बिलोंग करते हैं कैटेगरी ऑफ पैंथरीन कैट्स के, उसमें आते हैं इस श्रेणी में। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट द नंबर ऑफ अटैक ऑन चिल्ड्रन सिंस 2010 हैज़ इंक्रीज 3-fold। तो इस एजेंसी ने अभी यूनिसेफ ने इस डेकेड को, जो डेकेड था 2010 से लेके 2020 तक जो डेकेड है, इसको क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया गया है डेडली डेकेड इसमें नाम दिया गया है। जो यूनिसेफ है ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसके अनुसार जो 1,70,000 वायलेशन हुई है अगेंस्ट चिल्ड्रन इस डेकेड में। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है जो डिलीवर कर देगा सैंड एट डोर स्टेप? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे जो सैंड माफिया थे उसको कर्व करने के लिए ये एक इनिशिएटिव चलाया गया है पायलट बेसिस पे। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं बिस्वाभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। अभी रिलीज़ की गई है ड्राफ्ट मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप मेडिकल कॉलेज अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अनुसार जो मेडिकल कॉलेज होंगे उनको लिंक किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो इसको किसके द्वारा ड्राफ्ट को लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया है? इसको ड्राफ्ट को बनाया गया है नीति आयोग। नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी 371 आइटम्स हैं जो कंट्री में उनको स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मार्च 2020 से। तो ये आइटम कहाँ की बैन की गई हैं? तो ये आइटम बैन की गई है चाइना की। ये जो मूव की गई लगाया गया है, जो एम है इस मूव का, वो है जो कर्व करना है इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल आइटम्स सच एज प्लास्टिक गुड्स, टॉयज, फर्नीचर, स्पोर्ट्स को करने के लिए। क्योंकि जो चाइना, जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ने इसको कोऑर्डिनेट किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ, तो जो भी इसमें प्लास्टिक की गुड्स थी वो चाइना से आ रही थी, उसमें काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई थी। तो ये चाइना के जो जितने भी गुड्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने अभी सैंक्शन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन अंडर फेम इंडिया स्कीम Phase 2 के अंतर्गत। तो इसके अनुसार जो कितने चार्जिंग स्टेशन लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो ये लगेंगे 2,636। इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है हैवी इंडस्ट्रीज़ जो कि ऑपरेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उसमें, उसकी जो 62 सिटी हैं उसमें ये चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। और इसका जो एम है टू मेक श्योर एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट 4x4 किलोमीटर एरिया। इसमें 1633 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और 1003 स्लो चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। फेम इंडिया प्रोग्राम का फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2015 को, और इसका फेज़ 2
स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1, 2019 को। फेम इंडिया का जो पूरा नाम है वो है फर्स्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट लॉन्च की गई। इसके अनुसार कितने प्रतिशत एरिया है इंडियन फॉरेस्ट का जो प्रोन है टू फॉरेस्ट फायर्स, तो ये है 21.4% एरिया है जो इंडियन फॉरेस्ट का वो फायर जिसमें आग लगती है प्रतिवर्ष, तो इतना प्रतिशत एरिया है। और 29,547 अलर्ट जारी किए गए हैं 2018 नवंबर और 2019 जून के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा आग लगती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं वो मिजोरम के फॉरेस्ट में पाए गए हैं। इसका आग लगने का कारण है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में वहाँ पे जो झूम कल्टीवेशन होती है जो जिसे स्लस एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत ये फायर लगती है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 7.7 बिलियन है अप्रैल 2019 के अनुसार, तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लेगी, तो ये किस ईयर तक क्रॉस कर लेगी, और इसके लिए 70% फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये कर लेगी 10 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लेगी 2050 तक क्रॉस कर देगी। तो इसको कर्व करने के लिए कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसने बढ़ावा दिया है वर्टिकल फार्मिंग को। वर्टिकल फार्मिंग इंडिया में 2019 को इंट्रोड्यूस की गई थी। वर्टिकल फार्मिंग में वर्टिकल एक कंट्रोल्ड मैनर में इसमें वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। इसमें जो वाटर लगता है वो तो सेम लगता है, लेकिन इसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से 75% कम लगते हैं। टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है इसका पहला ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन विच स्टेट बना है, तो ये बना है बिहार में बना है ये। और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंड बैंक्स हैं रीजन में जो एक आइडियल ब्रीडिंग सेंटर है टर्टल्स के। यहाँ पे इलीगल स्मगलिंग होती थी तो उसको भी रोकने के लिए ये एक अच्छा मूव है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसरो ने भी साइंड पैक्ट किया है अभी ऑप्टिकल टेलीस्कोप अंडर प्रोजेक्ट नेत्रा, तो ये किसके द्वारा किसके साथ साइन किया है, तो ये साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के साथ ये साइन अप किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।